सीबीआई का बड़ा एक्शन, खुफिया जानकारी बेचने के आरोप में डिफेंस जर्नलिस्ट और नौसेना का पूर्व कमांडर हुआ अरेस्ट। माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से हत्या के प्रयास के मामले में दोष मुक्त करार। कर्नाटक के सीएम बनेंगे सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पद मिलने की संभावना। माफिया आतिक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम और लल्ला समेत 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई दाखिल। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आज ऋषिकेश से पहला जत्था होगा रवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रद्द किया ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी का दौरा। दिल्ली स्थित नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में जूते बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। चक्रवाती तूफान मोका का म्यांमार में कहर, मरने वालों की संख्या 81 तक पहुंची। मणिपुर में इंटरनेट पर बैन 5 दिन के लिए और बढ़ाया गया। राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा, 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भाषण देंगे।